आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विदिशा से आज बड़ी खबर के साथ, जहां बोरवेल में 2.5 साल की बच्ची गिर गई है। करीब 20 से 25 फीट गहरा बोरवेल बताया जा रहा है, जिसमें अचानक से 2.5 साल की बच्ची गिर गई। जेसीबी से अब खुदाई की जाएगी, प्रशासन को इसकी सूचना दे दी गई है। कुछ देर में मौके पर प्रशासन की टीम पहुंचेगी और उसके बाद बच्ची को निकालने की कोशिश की जाएगी। बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश अभी भी लगातार की जा रही है। सिरोंज तहसील के ग्राम कजरी बरखेड़ा का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, जहां बोरवेल में अचानक से 2.5 साल की बच्ची गिर गई है। लेकिन बच्ची गिरी कैसे, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इसकी सूचना जो है प्रशासन को दे दी गई है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचने वाली है, जिसके बाद लगातार कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द बच्ची को बाहर निकाल दिया जाए और जेसीबी की मदद से खुदाई की जाएगी। तो सिरोंज तहसील के ग्राम कजरी बरखेड़ा का यह पूरा मामला निकलकर सामने आया है और विदिशा में दूसरी बार ऐसी घटना सामने आई है, जब अचानक से बोरवेल में बच्ची गिर गई। जब पहली बार जब बच्ची गिरी थी तो कलेक्टर की ओर से निर्देश दिए गए थे कि सभी बोरवेल को ढका जाए, लेकिन यहाँ पर बड़ी लापरवाही भी देखी जा रही है। ये देखिए वही तस्वीरें हैं जो कि निकलकर सामने आई हैं। 2.5 साल की बच्ची इसी बोरवेल में गिरी है। हालांकि वहां पर जैसे ही इसकी सूचना प्रशासन को मिली, प्रशासन मौके पर पहुंच रहा है और अब बच्ची को निकालने की लगातार कोशिश की जाएगी। ये बोरवेल जो है करीब 20 से 25 फीट गहरा बताया जा रहा है, जिसमें अचानक से बच्ची गिर गई। जैसे ही इसकी सूचना घर वालों को लगी, वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया है। मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, 2.5 साल की बच्ची अचानक से बोरवेल में गिर गई है और बोरवेल की गहराई जो है 20 से 25 फीट बताई जा रही है, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, बच्ची कैसे गिरी? बिल्कुल अलीशा, बात की जाए तो ये विदिशा का मामला है, कुरवई विधानसभा है और सिरोंज तहसील लगती है और उसके सिरोंज में पथरिया एक इलाका है, वहाँ की ये घटना बताई जा रही है। और ये भी निकलकर सामने आया कि घर के सामने ही बोरवेल था और वो जो अभी शुरुआती जानकारी अलीशा निकलकर सामने आई है, 25 से 30 फीट ये गहरा बोरवेल है जो अभी जानकारी निकलकर सामने आई है। साफ नहीं हो पाया कि आखिर कितना है, लेकिन जो बच्ची, मासूम बच्ची जो 2.5 से 3 साल की बताई जा रही है, अहिरवार समाज की है, वो 20 फीट के आसपास बताया जा रहा है कि बच्ची, मासूम बच्ची फंसी हुई है। और अभी की बात की जाए तो प्रशासन को पूरी घटना की जानकारी दे दी गई है, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। जो हमारे पास जानकारी निकलकर सामने आ रही है, करीब आधे घंटे के अंदर वहां पर जेसीबी पहुंचेगी और फिर उसके बाद पैरेलल वहां पर खुदाई की जाएगी 20 फीट भी, क्योंकि अभी कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से एंगल बना के बच्ची को 20 फीट गहरे से ही सीधे गड्ढे से ही बाहर निकाला जाए, लेकिन उसमें कामयाबी पिछले 2 से 3 घंटे की बात की जाए तो कामयाबी नहीं मिली है। ऊपर से बात की जाए तो ग्रामीण ही पंखा चलाकर हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात अभी तक ये, इस पूरे घटनाक्रम में बात की जाए, बच्ची बोरवेल में गिरी है, बच्ची की हलचल देखने को मिल रही है, लगातार बच्ची की रोने की आवाज़ निकलकर अलीशा सामने आ रही है। तो ये कह सकते हैं राहत की बात है, प्रशासन को जानकारी दे दी गई है, भोपाल में भी जानकारी बड़े अधिकारियों को दे दी गई है, जल्द वहां पर रेस्क्यू का कार्य शुरू किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि विदिशा में ही करीब 1 से 2 महीने पहले इस तरीके की घटना सामने आई थी और फिर सिरोंज में ही एक घटना सामने आई है, तो सीधे तौर पर वहां के प्रशासन पर सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश है कि एक एक जगह पर जाकर पटवारी और वहां के जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि सारे खुले हुए बोरवेल जो भी हैं उनको बंद किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए अगर खुले में बोरवेल मिलता। उसके बावजूद भी इस तरीके के खुले में बोरवेल, वो भी किसी खेत में नहीं, घर के सामने ही बोरवेल था और मासूम बच्ची खेलते हुए वहां पर बोरवेल में गिर जाती है। सबसे बड़ा सवाल ये यही है कि आखिर ये बोरवेल खोदा कब गया था, कितना गहरा है, कितने फीट पर बच्ची अभी फंसी हुई है, क्योंकि शुरुआती जानकारी अलीशा जो निकल कर सामने आ रही है कि 20 फीट के आसपास मासूम बच्ची फंसी हुई है, जिसको बचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं रुक नहीं रही है, लगातार सामने आ रही है। कुछ दिन पहले ही सीहोर में यह घटना सामने आई, उससे पहले बैतूल में आई, छतरपुर में आई, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं रुक नहीं रही है। लेकिन अब इंतजार करना होगा रेस्क्यू कार्य का कि रेस्क्यू कब शुरू होता है, क्योंकि अभी की बात की जाए तो अभी तक के रेस्क्यू शुरू नहीं हुआ, 2 से 2.5 घंटे के करीब हो चुके हैं। स्थानीय प्रशासन की बात करें, पुलिस की बात करें, स्थानीय पथरिया पुलिस की बात की जाए तो वो मौके पर पहुंच चुकी है, उन्होंने आला अधिकारियों को जानकारी दी। देखिए जब भी ऐसी घटना सामने आई, हमेशा आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे, वहां की पल पल की खबर दी है, लेकिन लापरवाही के तौर पर देखा जाए, किसकी लापरवाही कही जाए, क्योंकि खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान इस पूरे मामले को लेकर सख्त नजर आए हैं, बोरवेल बंद किए जाए यहां तक के निर्देश दे दिए, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह का एक्शन जो है लिया नहीं जाता।
जरूर सरकार कार्रवाई उसमें करे। पूरे लापरवाही की बात करें तो वहां का स्थानीय प्रशासन लापरवाही का जिम्मेदार रहता है और उसकी सीधी वजह यह रहती है कि कलेक्टर की तरफ से निर्देश नीचे के अधिकारियों को दिया जाता है, खासकर पटवारी लेवल के अधिकारियों की बात की जाए तो उनके पास ये जिम्मेदारी रहती है क्योंकि वो नपतियां करते रहते हैं, खेतों की बात करें, जमीनों की बात की जाए इसके अलावा, और उनको ही जिम्मेदारी दी गई है और एक रिपोर्ट भी सौंपने के लिए निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भोपाल से दिए गए थे कि आप तमाम जगहों पर जाएं और एक रिपोर्ट दें कि इस जिले में इतने बोरवेल थे, हमने इतने बोरवेल को बंद कर दिया है और अब वहां पर कोई भी बोरवेल खुले हुए नहीं है। तो यह जो रिपोर्ट दी गई है वो सिर्फ खाना पूर्ति दी गई थी, इसको लेकर सवाल पिछली बार भी जब सीओर में घटना सामने आई थी तब भी उठे थे क्योंकि बैतूल की घटना सामने आई थी उसके बाद सख्त निर्देश दिए गए। बड़ी लापरवाही के तौर पर भी देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर हमें तमाम जानकारी देने के लिए।